अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर इस वक्त सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की एक हादसे की खबर आ रही है। सियांग जिले के पास सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, एक अहम खबर। सियांग जिले में सिंगिंग गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है यह हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ है, और सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए एक खबर यह भी है कि अभी कुछ किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक तस्वीर, ये वीडियो सामने आया। अभी हम उत्तराखंड में भी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, इसी तरह से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, करीब 7 लोगों की मौत हुई थी, और ये सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। चीन के बॉर्डर के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, भारत और चीन के बॉर्डर के आसपास की, और ये तस्वीरें, धुआं उठता हुआ, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, ये भी हादसे की एक बड़ी खबर। लेकिन अभी तक गनीमत यह है कि किसी के हताहत होने की कोई फिलहाल खबर नहीं आ रही, और हम सबकी प्रार्थना भी ये है कि कोई भी ऐसा नुकसान ना हो, किसी तरह के जान का नुकसान ना हो। लेकिन एक बड़ी खबर, एक अहम खबर अरुणाचल प्रदेश से, और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। हादसे की एक बड़ी खबर, सर्च ऑपरेशन जारी है। यह अटैक हेलीकॉप्टर है सेना का, HAL ने भारतीय सेना के लिए बनाया है।